मॉडल स्कूल बादाम नामकुम रांची के बच्चों के द्वारा नृत्य एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 3 कैटेगरी में कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें, क्लास 2 से 5 के बच्चे, क्लास 6 से 8 और क्लास 9 से 12 के बच्चों के बीच प्रतियोगिता हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन आत्मसम्मान एक स्वाभिमान फाउंडेशन रांची के तत्वावधान में मौमिता चौधरी और डॉक्टर अनुरंजिता सिंह के द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक कुमार सिंह, आशीष शीतल मुंडा और विशिष्ट अतिथियों में शिखा मुखर्जी, बादाम पंचायत समिति के सभी वार्ड सदस्य मनोज करमाली, पॉल तिग्गा, अनीता सुषमा, जैकेर्स गाड़ी, बादाम पंचायत मुखिया कृष्णा लोहरा उपस्थित हुए। मॉडल स्कूल बनाम उत्क्रमित विद्यालय दीपाटोली बादाम शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। चौधरी हूँ, मैं एक ऑथर हूँ और साथ में मैं बहुत सारे एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई हूँ और मैं आज ये चैरिटी इवेंट करवा रही हूँ। बड़ाम आरा गेट में गांव है जो कि जहाँ 4 स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनमें डांस और ड्राइंग का कंपटीशन है। क्लास 2 से क्लास 12 तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके साथ जुड़ के। सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को करके। ये मेरा पहला इवेंट है इस गांव में। मैं आइंदा से आगे से भी चाहूँगी कि हर साल हम लोग इस तरह के इवेंट और बड़े तरह से करवाएं और अच्छा हो रहा है। इनके सहयोग से भी ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। मैं डॉक्टर अनुरंजिता सिंह, एक सोशल वर्कर हूँ, डायरेक्टर विद्या अकेडमी, इसके अलावा और भी बहुत बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हूँ। तो ऐसे ही मोमिता से मेरी बात हो रही थी कि मेरे को इवेंट करवानी है और हम लोग अलग अलग बस्तियों में प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। तो मोमिता ने कहा कि हमारे स्कूल के घर के बाजू में बहुत सारे गरीब बच्चों का सरकारी स्कूल है, इसमें थोड़े लोअर लेवल के बच्चे हैं, तो हम लोग क्यों ना इसमें इवेंट करवाएं। तो हमने ठीक है चलो हम लोग करते हैं। तो वही आफ्टर डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे एक डांस एंड ड्राइंग कंपटीशन करवाया जाए। तो इसमें हम लोग 3 ग्रुप डांस के 2 ग्रुप और ड्राइंग के 3 ग्रुप बना के यहाँ पे प्रतियोगिता करवा रहे हैं और साथ में पुरस्कार भी दे रहे हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, बच्चे आगे जाके अपने अपने क्षेत्र में और अच्छा काम करें, इसके लिए 4 स्कूल्स के जो टॉपर बच्चे हैं सारे बच्चों को भी हम लोग पुरस्कार देते हैं ताकि अपने में कंपटीशन की भावना जागे और अगले साल हमें नए नए चेहरे देखने को मिले और इस गांव की जो स्थिति है आज कहीं से कहीं पहुंचे, यही सपना लेके हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं मॉडल स्कूल का इंचार्ज प्रिंसिपल हूं। मेरे स्कूल में अभी एक NGO के द्वारा बड़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जिससे कि बच्चों में बहुत सारा उत्साह है। अगल बगल स्कूल से भी हमारे यहाँ प्रोग्राम देने के लिए आए हैं, उसमें गार्जियन का भी सहभागिता है। हम लोग की जो मैडम आई हैं NGO की, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब तरह से उन लोग का विभाग का भी, हम लोग का विभाग का भी बराबर हाथ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बच्चा का जो एक प्रतिभा छुपा हुआ था, वो प्रतिभा को आगे ले जाने में ये लोग सहयोग कर रही हैं। सरकारी विभाग में तो सब चीज़ चलता है, लेकिन हम लोग का गॉड फादर, मतलब बच्चे के गांव में जो मेन गॉड फादर नहीं है, गार्जियन का जागरूकता का कमी है। तो मैडम लोग अच्छा कर रही हैं कि लोग को एक्टिव कर रही हैं और बच्चा हो सके आगे चलकर और अच्छा प्रतिभा दिखाए, यही हमारा शुभकामना है बच्चों।